ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यामनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासवि गौर भक्त बृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जो खाए नाम अमृत फल वो सदा अमर बन जाए। मनुष्य जीवन में सबसे बड़ा फल जो है वो है सत्संग, और सत्संग का सबसे बड़ा फल है नाम अमृत फल। और जब हम ये नाम अमृत फल लेते हैं, स्वीकार करते हैं, तो हम अमर बन जाते हैं। इसका अर्थ क्या है कि जो शरीर धारण करके अनंत काल तक हम जन्म मृत्यु के फेरे में फंसे हुए हैं, जो हमारी अमरता नष्ट होते हुए नजर आ रही है, वो अमरता प्राप्त हो जाएगी। अर्थात हम पुनः अपने मूल स्थिति में स्थित हो जाएंगे, मूल अवस्था में स्थित हो जाएंगे, सच्चिदानंद आत्मा के रूप में हमारे प्रिय श्याम सुंदर जी के साथ गौलोक वृंदावन में शुद्ध भक्तिपूर्ण सेवा में हम स्थित हो जाएंगे। इतना बड़ा और श्रेष्ठ फल हम सबको प्राप्त है, पहले से ही प्राप्त है, लेकिन फिर भी हमें उस अमरता का आज अनुभव नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी तक हमारा मन जो है वो विषयों में चिंतन करते रहता है। विषय का अर्थ है भौतिक आनंद, जो भगवान से अलग है, भगवान से जुड़ा हुआ नहीं है, या तो भगवान से विपरीत है, भगवान के विषय में विपरीत है, उसको विषय भोग कहते हैं। तो नाम अमृत के प्राप्त होने के पश्चात भी जब मन में इन विषयों का भोग लेने का, नाजायज भोग लेने का जब चिंतन चलते रहता है, तो ये नाम अमृत का फल प्राप्त नहीं होता है और विष का अनुभव होता है। जानिया सुनिया विष खाइनु, गोलोकेर प्रेमधन हरिनाम संकीर्तन प्रतिना जन्मिलो भाय। गौलोक का सार हरिनाम के रूप में हमारे लिए प्रकट होता है। हम सब लोग बहुत इंपोर्टेड वस्तु से प्रेम करते हैं ना, ये सर्वश्रेष्ठ इंपोर्टेड वस्तु है, ये किसी इहलोक के परदेश की वस्तु नहीं है, ये परलोक की वस्तु है। दिस इज फ्रॉम द हाईएस्ट फॉरेन कंट्री नाउ। ऐसे तो हमारा घर है वो, लेकिन अभी वो फॉरेन कंट्री हो गया है, क्योंकि हम लोग उसको छोड़कर यहाँ पर तड़पने के लिए आए हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब नाम जप का अमृत फल हम प्राप्त करते हैं, तो हमारी बुद्धि बहुत ही तेज और नोकदार हो जाती है, और हम अमृत का अनुभव इस जीवन में भी करते हैं। लेकिन जब नाम अमृत फल प्राप्त होने पर भी विषयों का चिंतन करते हैं या विषय भोग करते हैं, तो हमारी बुद्धि जो है वो नारकीय हो जाती है,
ये बहुत ही दुर्दैव की घटना है। इसलिए कभी कभी श्रेष्ठ वस्तु प्राप्त होने पर भी उसकी श्रेष्ठता का अनुभव नहीं होता है या ज्ञान नहीं होता है मूर्खता की वजह से। इसलिए इस जीवन में जितना हो सके उतना विषयों का चिंतन हमें छोड़ देना चाहिए। हो सकता है कि विषयों का चिंतन जप करते समय भी हो रहा है, हो सकता है विषयों का चिंतन दिन में हो रहा है। दिन भर की जो कलेक्टिव चेतना है वो सवेरे जप में अपना परिणाम दिखाती है, और दिन भर में जो चिंतन किया है, जो कार्य किए हैं, जो भोग विलास या जो भी आध्यात्मिक कार्य किए हैं, उनका सबका एक कलेक्टिव परिणाम सवेरे के जप में दिखाई पड़ता है। हमारा लक्ष्य है कि हम ये नाम अमृत फल रोज पाएं, ध्यान पूर्वक पाएं। लेकिन मन तो भागते रहता है, कभी विषयों पर, कभी नाम पर, कभी विषयों पर, कभी नाम पर। सब लोग प्रार्थना करें कि ये जो मनुष्य जीवन का सर्वोच्च फल सत्संग के माध्यम से प्राप्त हुआ नाम अमृत फल, जब हम प्रेम से, श्रद्धा से, भावना से, तीव्रता से, एकाग्रता से जब लेंगे, तो इसी जीवन में हम जीवन मुक्त हो सकते हैं। इसी जीवन में नारकीय अनुभवों से मुक्त हो सकते हैं। इसी जीवन में सारे दुख भरे अनुभवों से मुक्त हो सकते हैं और सदैव आनंद के भाव में, अमृतमयी भाव में झूल सकते हैं। इस वक्त हम बरसाना धाम के गौशाला में हैं, जहां पर 70,000 गाय हमारे आसपास यहां पर हैं। इधर ही नीचे दाहिने बाएं आगे पीछे, केवल ऊपर नहीं है, बस सब नीचे हैं। सभी दिशाओं में गायें हैं, सभी दिशाओं में। ब्रज भूमि में थोड़ा विषयांतर होगा, लेकिन फिर भी ब्रज भूमि में कुछ चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि यमुना जी, जैसे कि ब्रजरज, श्री गिरिराज गोवर्धन, श्रीमती राधा रानी और गौ माता। गौ माता के बीच किया हुआ जप जो है वो 100 गुना अधिक फलित होता है। अभी मैं 12 माला करके आया हूं, तो मेरी 1200 माला हो गई है। और सभी गौ माताएं मन की सारी चिंताएं, क्लेश सब हरण कर लेती हैं और निरंतर पवित्रता और दिव्यता का अनुभव देती है। तब सोचिए, ऐसे वातावरण में भी अगर मन विषय भोगों का चिंतन करता है तो क्या कह सकते हैं उसको, इतना बड़ा दुर्भाग्य। और वैसे भी ब्रज भूमि में जब हम जप करते हैं, नाम अमृत फल का आस्वादन करते हैं, तो वैसे भी 1,00,000 गुना उसका फल तो प्राप्त हो ही रहा है। रूप गोस्वामी मथुरा महात्म्य में लिखते हैं कि धाम में जब कोई जप करता है तो उसका 1,00,000 गुणित फल प्राप्त होता है। उससे आप 100 को गुणित करो जब गाय के सामने धाम में बैठे, हाँ, तो 1,00,000,000 तो हो गया ना। कितना भाग्य है, देखिए इतना अनंत भाग्य नाम अमृत फल के माध्यम से भगवान और राधा रानी हम पर लुटा रहे हैं। और हम कहाँ हैं? हाँ प्रभु जी कहाँ हो, माता जी कहाँ हो आप, कहाँ मन भटक रहा है, उस मन को खींच के लाओ। मन से भी आप गाय के सामने बैठ सकते हैं, गाय की स्मृति से। मन से भी आप धाम में बैठ सकते हो, धाम की स्मृति में। आप सब लोग धाम में जा चुके हो, आपने अनुभव किया है, हाँ, पीली पोखर है, प्रेम सरोवर है, वृंदावन धाम है, कृष्ण बलराम मंदिर है, लाडली लाल का मंदिर है, सब जगह आप लोग गए होंगे। उसकी स्मृति में बैठो, सबने गैयाओं का दर्शन किया है, गोवर्धन इको विलेज में किया है, यहाँ वहां किया है, उनकी याद करो और उनकी याद में, स्मृति में अपने जप को किया करो और रोज 1,00,000,000 गुना नाम अमृत फल का आस्वादन करो। कितनी भाग्य की बात। निश्चित रूप से आप सब लोगों ने, हम सब लोगों ने पहले जन्मों में, पिछले जन्मों में अनंत पुण्य किए होंगे, इसलिए ये दिव्य फल, अमृत फल हमें प्राप्त हो।
और हम ही अपने हाथों से उसको विष फल बना सकते हैं अगर हम इंद्रियों का भोगों का चिंतन करते हैं। हमें सब कुछ छोड़ देना चाहिए और एकाग्र होकर इस नाम कृष्ण नाम अमृत फल को प्रेम से और तीव्रता से उसका आस्वादन करना चाहिए, उच्चारण करना चाहिए, पुकारना चाहिए, राधे किशोरी दया करो, हे श्याम सुंदर, हे राधे अपनी सेवा में लगा दो, अपने चरणों में रखो, अपने आश्रय में रखो, सुरक्षित रखो, माया से बचाए रखो, हे राधे हे किशोरी दया करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं।